Let's go. Keep your head up. अबे पैंट गीली हो जाएगी, भाग यहाँ से। इसे कहते हैं असली फाइट। जो देख रहे हैं उन्हें भी मजा आ रहा है और जो मार रहा है उसे तो मजा आ ही रहा है, लेकिन सच ये है कि अभी तक जो आपने देखा वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। एक सेकंड, शांत हो जाओ। देखो तुमने कहा कि माँ का दूध पिया है तो बाहर आ जाओ, तो मैं बाहर आ गया। अब तुम लोगों ने माँ का दूध पिया है तो मुझे मारना मत। जिसने मारा मैं समझ जाऊंगा नहीं पिया है। कुछ भी बोले जा रहा ए, ये बता गांधी जी ने क्या कहा था? अबे ये कौन है बे? इतना भी नहीं जानता? कोई एक गाल पे मारे तो उसके सामने दूसरा गाल कर दो। जाहिल आदमी कभी स्कूल नहीं गए हो क्या? गांधी जी राष्ट्रपिता है। तुम मुझे पीछे से मारोगे? फेस टू फेस फाइट करना मर्द की तरह। यार मुझसे फाइट करनी तो फेस टू फेस करो। जैसे मारो ये तो गलत है ना? गलत है। एक सेकंड, ये सब तेरे दोस्त है क्या? अगर तेरे जिगरी आ रहे तो बता मुझे यार, अभी बता। देख ये सब मुझसे लात खा चुके हैं, सिर्फ तू ही बचा है। तुझे भी मार खानी है? अकड़ निकाल दूँ ना सारी। प्रोड्यूसर ने सुबह सुबह फाइट मास्टर को बुलाया, पर अब सोच रहा हूँ उन्हें मेट्रो से वापस भेज दूँ, क्योंकि फाइट तो मैंने खुद ही कोरियोग्राफ। ट्रेंड बदल चुका है, अब सिर्फ स्टार्स पैकअप करते हैं। सर, मेरी बात सुनिए, ऐसे पैकअप मत कीजिए सर। मैडम जरा मेरी बात तो सुनिए मैडम। वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरी तालाब को गंदा कर देती है, मछली वही है। कैसा बेवकूफ आदमी जो दोपहर के 2 बजे पैकअप बोल रहा है। यहाँ प्रोड्यूसर का इतना लॉस हो रहा है, वो कौन बियर करेगा? ऐसे तेरी फिल्में चलने वाली नहीं है, देखना तुझे फिल्मों में काम मिलना भी बंद हो जाएगा। मेरी बद्दुआ है कि तू फ्लॉप हो जाए। तुम देखो कि सीन कितने बचे, जब तुम्हारा मन करे तुम पैकअप बोल रहे। मैं जा रहा हूँ। वेरी गुड प्रताप, बहुत अच्छा शॉट। थैंक यू सो मच। फाइट सीन मजा आया ना देख के? बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी ना? सुपर। तो फिर अब नेक्स्ट फाइट कब प्लान कर रहे हैं? डोंट वरी प्रताप, नेक्स्ट फाइट मैंने डिफरेंट तरीके से प्लान की है। उसके विजुअल एकदम सुपर्ब होंगे, जो इंग्लिश पिक्चर को भी टक्कर देंगे। मैं आपको अलग मुकाम पर लेकर जाऊंगा, डोंट वरी। बॉस के कंधे पर ऐसे हाथ। सी यू, बाय। मिलते हैं, बाय। सर, देखो इनसे ज्यादा बात मत करना। ज्यादा बात करोगे तो ये बगल में तुमको बैठाने का समझ गई ना? हाँ, दूर रह लीजिए। ओके ओके, ऐसा नहीं करते पीछे। हाँ ठीक है सर, जाओ। हीरोइन रेडी हो रही है और उसकी माँ भी आई है। सर नमस्ते, मैं हीरोइन की माँ हूँ। हीरोइन की माँ? हाँ। ये यहाँ पे क्या कर रही है? सर आजकल शूटिंग में लड़कियों की माँ का आना बहुत कॉमन हो गया है सर। हाँ। मैं शूटिंग पर अपना बाप लेकर आया हूँ क्या? तो फिर ये अपनी माँ लेकर क्यों आई है? सर वो मेरी शूटिंग पर अपनी माँ को लेकर आना वर्जित है। हीरोइन चेंज। सर शूटिंग पूरी हो चुकी है, अब हीरोइन कैसे चेंज करेंगे? हीरोइन चेंज। पता नहीं किसका मुँह दिखा था सुबह, तुझे बोला था ना कि आज नहा कराना, देख क्या से क्या हो गया है। जी सर। सर ये मेरी असिस्टेंट है। मतलब तुम्हारी सेक्रेटरी? हाँ सर। तो मुझे हीरोइन दिख रही है। अरे 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 सुनो तो। थैंक यू सर। आज से ही मेरी हीरोइन है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा सर। अच्छी एक्टर है। खुश? एक इंसान सब सह सकता है लेकिन विश्वासघात सह नहीं सकता। मैंने तेरे साथ विश्वासघात किया है बेटी, मैं पापी हूँ, मुझे जीने का अधिकार नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। तेरा गुनहगार अब भी जिंदा है बेटी, तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तेरा बदला लूंगा। तुझे इस हालत में जिसने पहुंचाया है उसे मैं खून के आंसू रुलाऊंगा। ओह तो बॉस के अपॉइंटमेंट के लिए आप 15 दिन से वेट कर रहे हो ना? एक मिनट सर, अभी जूस पी रहे हैं, सो ही इज बिजी। तो आप 15 दिन के बाद कॉल कीजिए। ओके बाय।
हेलो हीरो सर, हिंदी में हाई बजट 2 करोड़ में थोड़े और पैसे डालकर आपको लेकर फिल्म बनाने की सोच रहा हूँ, आपका क्या सोचना है? दैट्स अ गुड आइडिया। इसमें मेरी असिस्टेंट का पेमेंट और कन्विंस हो जाएगा, बाकी मेरी फीस का क्या? नमस्कार सर, सुबह से ही इंतजार कर रहा था, शाम को आपके दर्शन हुए, मेरा सौभाग्य। एक मिनट रुकिए। हेलो, जिस काम का बोला वो हुआ? अरे दोनों बड़े स्टार मान गए क्या? 15 दिनों के लिए बाहर। अरे दर्शन और यश दोनों, अरे मैडम जल्दी जल्दी आइए, वो मीठा कराता हूँ। सुनो, अरे सर क्या है मुझे चेक करके बताओ। एक गुड न्यूज आपके लिए सर, दोनों बड़े स्टार मान गए हैं, दर्शन जी और यश जी, इसलिए अगले महीने से मेरी फिल्म स्टार्ट जी। दर्शन और यश बिग स्टार्स हैं, इसमें नो डाउट। तो तुम ये कह रहे हो कि मैं बिग स्टार नहीं हूँ? अरे ऐसा नहीं है जी, यानी मैं बिग स्टार नहीं हूँ। अरे मेरी बात सुनिए, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था सर। अरे अरे भाई, अरे रोकने के बजाय ये तो भाई बोल रही है। अरे मैडम सुनो तो, अरे ये कैसा इंसान है भाई, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो ये चला गया? उस बच्चे की आत्मा को शांति प्रदान करें। जैसा आपने कहा वैसा ही है, एक अतृप्त आत्मा यहां मुक्ति पाना चाहती है, सब लोग यहां आ जाओ। अति शीघ्र। आज तो बचे हुए सारे सीन में शूट करके ही मारूंगा, चाहे कुछ हो जाए, एक बार बस वो आ जाए। टाइम कितना हो गया? 11 बज गए, वो आए नहीं अब तक। सर सर सर, हाँ। अरे स्पोर्ट दादा कॉफी दो ना यार। सर दूध नहीं है। दूध नहीं है? दूध के पैसे का तू फ्लैट खरीद लेगा। छे। अरे सर आ गए। हे सर सर सर, प्लीज सर, कम सर कम सर, एक सेकंड सर, आप ओपन करेंगे तो उतरेंगे नहीं, मुझे ही ओपन करना है। अब उतरेंगे, देखो। गुड मॉर्निंग सर, आइए सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओह नमस्कार। हे सर लीजिए सर। एक सेकंड, नाश्ता हो गया क्या? नाश्ता क्यों, हमें 3 घंटे हो चुके हैं सर, अभी तो नाश्ता कर लूं। One hour break. Yes, boss. इस आदमी की समस्या क्या है यार, हर बात ब्रेक कर देता है। शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए सर। एक दिन मैं इस आदमी का घमंड चूर चूर कर दूंगा। सर ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे। नहीं होंगे, ये पैसे तुम रख लो। इस आदमी के अकल ठिकाने लाने ही पड़ेगी। एक्चुअली यस सर, मुझे हॉलीवुड से एक पिक्चर का ऑफर आया था, बट
डायरेक्टर बोला कि मुझे हिंदी में स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी, तो मैंने मना कर दिया। यू आर रियली ग्रेट सर, आप तो देश के बेटे हैं। देश से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। सर मैं डायरेक्टर सर। सर डायरेक्टर सर, इसने बहुत सारी हीरोइंस का भला किया है। कैसे भला किया? डायरेक्शन से सर। अच्छा अच्छा, आइए आइए बैठिए। ओह सर, शूट बस खत्म हो जाए। सर एक मिनट एक मिनट, लंच टाइम कितने बजे है? ऐसा है सर, ए ये पकड़ो। सुनिए सर, आज का शॉट दे दीजिए आप, उसके बाद भले ही आप मुझे खा लेना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। चलिए सर। साई प्लीज, नो मोर फोटोज, नो मोर वीडियोस। बॉस को नजर आ रही है। अरे फोटो बाद में लेना, पहले शूटिंग। सर जैसे आप अपनी कॉस्ट्यूम उतारेंगे हम कैमरा जूम करेंगे। ओए मैं स्टार हूँ, कॉस्ट्यूम के बिना कैसे करूंगा? हाँ सर, आजकल कॉस्ट्यूम उतारने का जमाना है, सब ऐसे हिट हो रहे हैं। अभी नंगा शूट नहीं करूंगा, स्टार हूँ, भांड नहीं हूँ। एक बार जो कॉस्ट्यूम पहननी पहन ली। अरे असिस्टेंट बस करो यार, तुम कॉस्ट्यूम छोड़ो ना। ए सामने सर, क्या सामने आ रहा है? व्हाट, कहां चले आते, दिमाग खराब कर रहे हैं सर। आपको एक्शन सीन करना है सर, आपको बड़ा एक्शन हीरो बनना है सर। आज फिल्म का क्लाइमेक्स है सर, क्लाइमेक्स सीन। ओह सॉरी सर, आज के इस क्लाइमेक्स सीन में आपकी एक्टिंग को पब्लिक थिएटर में देख करके दोनों हाथों से तालियां बजाएंगे सर। सर इस फिल्म के रिलीज होते ही आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर बन जाऊंगा। आप देखना, टिकट विंडो पे लाइन लगेगी सर। मुझे यही तो पता है, पब्लिक क्या बोलेगी, पता है क्या बोलेगी? कहाँ थे आप? वो मरने के लिए तैयार हो जाएगी। इस सीन में आपकी एनर्जी चाहिए सर, आपकी दमदार एक्टिंग, उस पर मेरा डायरेक्शन, ये दोनों चीजें ऑडियंस की सेंटीमेंट तो जगा देगी सर। ऑडियंस फिल्म के लिए पागल हो जाएगी। 800 करोड़ छक्के के साथ आएंगे सर। मैं चाहता हूँ कि 1000 करोड़ आए सर। मैं चाहता हूँ कि इस सीन में आप कमाल कर दे सर। इस सीन की आत्मा को समझिए, ये अद्भुत है सर, बहुत ही कमाल का है। ऑडियंस भी रोएगी, यूनिट भी रोएगी, मैं भी रो रहा हूँ सर। फिल्म के बाद सिर्फ एक ही आदमी हंसेगा, वो है हमारे प्रोड्यूसर साहब। लेट्स डू इट सर। बड़ी मुश्किल से जोकर आज मूड में आया है, सारे के सारे सीन फेल। तो चलो सर। सर आप मुझे फंसा के क्यों चले गए? ठीक है, ओके सर। सर ये इस फिल्म का लास्ट सीन है, सेंटिमेंट से भरा हुआ। आपको देखते ही आपकी माँ को हार्ट अटैक आता है और मर जाती है सर। मुझे देखकर मेरी माँ को हार्ट अटैक क्यों आ गया? सर आपका मुंह इतना मनहूस है कि कोई भी मर सकता है सर। आप रोते हुए अपनी माँ के मुंह में गंगा जल डालेंगे, रोते हुए ये देखकर लोग रो पड़ेंगे सर। आपके अंदर इमोशंस आएंगे सर। अचानक आप इधर देखेंगे, आप उधर देखेंगे, लेकिन आपको पानी नहीं मिलेगा सर। आप अपनी जेब में हाथ डालते हैं और 70,000 निकालते हैं और बोरवेल खोदने वाले को फोन करके बुलाते हैं। वो घर में चारों तरफ खोदता है लेकिन पानी नहीं मिलता है सर, पानी नहीं मिलता है सर। फिर आप रोते हुए खड़े होते हैं, आपको गुस्सा आता है, आप अपने गुस्से को संभाल नहीं पाते क्योंकि आप हीरो हैं। आप चुप रहेंगे क्या? आप पैर उठाते हैं और जमीन पर पटकते हैं, छुर करके पानी बाहर निकलता है और फिर वो सारा का सारा पानी आपकी माँ के मुंह में चला जाता है और जैसे ही आपकी माँ पानी पीती है फटाक करके जान चली जाती है। उसके बाद सर आप गला फाड़ फाड़ के रोते हैं। इसके बाद पूरा थिएटर रोने लगता है, फैंस रोने लगते हैं। कैसे लगा सर? हो गया? हाँ यार तुम एक्टिंग मत करो। हाँ क्योंकि तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो। हाँ? मैं समझ गया हूँ। ओके मैं कर लूंगा। ओके तुम सीन लगाओ। ए ठीक है, तू ग्लास दे। होने वाले डायरेक्टर की बेइज्जती करता है। फू असिस्टेंट। हाँ एक्शन, स्टार्ट कैमरा, एक्शन। माँ यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। इमोशन ला, इमोशन ला, इमोशन ला। माँ सर इमोशन लाइए, इमोशन। अरे अरे मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए, माँ चेंज करो। अरे बीच में क्या हो गया सर आपको? सर ये मेरी माँ नहीं है, इस माँ को चेंज करो। पर क्यों? अरे ये औरत काली है, मैं गोरा हूँ, काली औरत का गोरा बेटा कैसे होगा? लोग नहीं मानेंगे। अरे फिल्म में जब आप पैदा हुए तब बिजली नहीं थी सर, बाद में आपने फेशियल किया और आप गोरे हो गए और आपकी माँ काली रह गई। पोस्ट में इन्हें गोरा बना दूंगा सर, सीन तो दीजिए। अरे वो असिस्टेंट समझाओ ना। सर गोरा कर देंगे, पेंट है अपने पास। लॉजिकली मैच हो रहा है क्या? हाँ मैच हो रहा है, लोग कन्विंस हो जाएंगे ना सर। ओके ओके आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी, फर्स्ट टाइम इन माय करियर मैं सेकंड टेक दे रहा हूं, सबसे क्षमा चाहता हूं। क्षमा चाहता हूं। ओके चलो टेक करेंगे। मेरी मां तुम लेटी रहो वरना हम सबकी मां मर जाएगी। लास्ट बन के पड़ी रहो, एक दिन हीरोइन बनोगी। असिस्टेंट तुम तो रेडी हो ना? हां रेडी हूं सर। कैमरा ऑन कर दो। आप एक्शन बोलिए, कैमरा ऑन है। यस मां। हां कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हां मां बोलिए सर, बोलिए सर। हां कम ऑन। हां बोलिए सर। क्या बात है, बढ़िया। वाह रोइए सर, रोइए। मुझे पता चला सर, थोड़ा आंसू बहाइए सर।
माँ मुझे पता चला है कि तुम्हें हार्ट अटैक आ रहा है। अरे आ रहा है, आ चुका है। इसकी तो अब आ गया है तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही पड़ी रहो माँ, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। सर 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 ये क्या कर रहे हैं आप सर? अरे ये आदमी पागल हो गया है क्या? इसकी तो ए, ये क्या कर रहे हो आप? क्या क्या मैंने? सर आपकी माँ मर रही है, आप आंसू बहाइए सर। सॉरी मैं आंसू नहीं बहाता। पर क्यों? मैं स्टार हूँ यार, फैंस क्या कहेंगे कि स्टार रो रहा है? अरे कैसे हैं आप? कभी नहीं। फैंस असिस्टेंट समझा यार इसको। फैंस इनसे मिलने आए। चुप करो, फैंस को आके बोलो कि फिल्म डायरेक्ट करें। सर इस सीन में आप रोएंगे तभी क्लाइमेक्स बनेगा सर। टेंशन मत लो डायरेक्टर, मैं रोऊंगा नहीं क्योंकि मैं बिग स्टार हूँ, लोग उदास हो जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब तो आप बिग बॉस से भी ज्यादा बड़े बन रहे हैं सर, ऐसे तो हमारी पिक्चर बन नहीं पाएगी सर। अगर आप ऐसा करेंगे तो पिक्चर नहीं बन पाएगी सर। ओके ना बन पाए क्या रखेंगे सर? प्रोड्यूसर डायरेक्टर को काम नहीं करना है, इन्हें कन्विंस देके घर भेजो। अरे वाह डायरेक्टर को निकाल दिया। सर सर स्कूटी पकड़ो घर निकलो, चलो लेके जाओ। हाँ यू मे गो नाउ, थैंक यू। ये लो पकड़ो। सर आपने सही कहा, हीरो को रोना नहीं चाहिए। हाँ प्रोड्यूसर बच गया गाइस, सच बोला होता तो मुझे भी निकलवा देता, फिलहाल तो सेफ हूँ। मर गया मैं तो मर गया भाई, एक दिन मेरी बीवी मायके गई और इसकी सुपर हिट मूवी देख कर आई, तब से इसी को लेकर फिल्म बनाओ जिद करने लगी। उसकी इसी जिद की वजह से मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं? 3 साल हो गए मुझे इसके साथ ये पिक्चर बनाते बनाते, शूटिंग खत्म ही नहीं हो रही। सर हम शॉट को ओपन करेंगे और गुंडे आपके सामने आ जाएंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आपने खाना खा लिया है, आप कहेंगे कि खा लिया। हाँ इतना ही शॉट है सर, कम ऑन सर। हेलो मुझे मॉनिटर की आदत नहीं है, सीधे टेक। हमारे बॉस को मॉनिटर नहीं चाहिए। अरे मेरी माँ पर मॉनिटर देखना पड़ेगा कि सीन कैसा आ रहा है इसलिए। अरे कहाँ से आई है ये? ओके आपने खाना खा लिया, वो ये पूछेंगे। खाना खा लिया? ऐसे कोई पूछता है क्या? अरे जब वो आ ही रहा है तो उससे पूछूंगा चर्च गेट से चटनी लाए हो कि नहीं, रामनगर से रायता लाए हो, कानपुर से ठग्गू के लड्डू, लखनऊ से टुंडे कबाब, मैसूर का मसाला डोसा, गुजरात का खाखरा और फाफड़ा। जब तक एक दिन में मैं इतना नहीं खा लेता हूँ मुझसे एक्टिंग नहीं होती है, समझे तुम? एक काम करो सब कुछ थोड़ा थोड़ा मंगा लो, ठीक है? सर खाना खा लिया बस इतना ही डायलॉग है आपका, इतनी सी बात को खींचने की क्या जरूरत है सर? सुनो मैं हूँ मांस हीरो और मुझे खाने में मांस पसंद है, फैंस चाहते हैं मैं खाऊं, या तो खाना मंगाओ नहीं तो। अरे बस 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 ये बात मुंह से मत बोलना सर। डायरेक्टर को तो डांट कर भगा दिया और उसके बाद फिल्म की कहानी बदल दी और बोला डायलॉग सीखने स्विट्जरलैंड जाना है। 2 हीरोइन चाहिए, 2 असिस्टेंट चाहिए, एक इसका फोन करने को, एक फोन को कट करने को। पता नहीं इसके कुंडली में क्या है। सब लोग यहाँ आ जाओ अति शीघ्र। बहुत ही गजब की कुंडली है इसकी, अभी तक जो भी की वो हर फिल्म हिट है, लेकिन 3 साल हो गए मेरी फिल्म खत्म नहीं हो रही। आप एक काम कीजिए उसे फोन कीजिए। इस समय पे नहीं दोस्त, इस समय पे नहीं। अरे मैं बोल रहा हूँ ना उसे फोन कीजिए। ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं करता हूँ। बॉस आपका फोन रिंग कर रहा है। बॉस फर्स्ट रिंग में अगर तुमने किसी का फोन उठाया तो लोग समझेंगे कि तुम खाली बैठे हो। मैं सुपरस्टार हूँ ना, मेरा अपना एटीट्यूड है। यस बॉस। ये देखो नहीं उठाया ना उसने, वो नहीं उठाएगा मुझे पता है। अरे उसे मैं 3 सालों से जानता हूँ। अरे तो उसी का फोन है। हेलो। अरे बोलो क्या बात है। हेलो ब्रदर, तेरा सिनेमा मैं टेक ओवर कर रहा हूँ। ये सिनेमा 100 दिन नहीं, सिल्वर जुबली नहीं, 1 साल चलेगा। प्रोड्यूसर जी क्या बोले? बोलो, सारी दुनिया देखने के बाद अपना देश ही सबसे ऊपर है। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और भी बहुत सारी जगह। मेरे पास भी एक सुपर फार्म हाउस है, तुम वहाँ आराम से वर्कशॉप करो, स्क्रिप्ट लिखो, तुम्हारी राशि कुंडली के हिसाब से एकदम अच्छी जगह है। तुम्हारे साथ मैं हूं ना, कल सुबह 10:30 बजे शाम। ओके। ये दमदार आवाज वाला कौन था?
तुम दोनों उस कमरे में शिफ्ट हो जाओ, टेक्नीशियंस को बोलो नीचे रहें, ठीक है? इसको मेरे बगल वाला कमरा देना और हमारे बगल में किसी को कमरा मत देना। जल्द से जल्द शूटिंग शुरू करनी है, सबको रेडी करो, ठीक है? जाओ। ओके, गो। सर, किसी भी प्रोजेक्ट में कैमरामैन इंपॉर्टेंट होता है, तो अच्छा रूम भी उसे ही मिलना चाहिए। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए स्पेशल व्यवस्था की है। कहाँ पे सर? मेरी सेक्रेटरी के रूम के बगल में एक गाय का तबेला है, तुम वहीं रहोगे गाय के साथ। इसे अपने चाचा का घर समझा है क्या? जो अरेंजमेंट है उसी में खुश रहना पड़ेगा। चलो फॉलो मी। इन्हें जरूर शास्त्री ने ही भेजा होगा। बॉस, हम आपके साथ कैसे बैठ सकते हैं? कहीं तो रखा था। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं हो सकता। बॉस, ये घर एकदम मस्त है ना, 5-star होटल की तरह है। मुझे तो ये घर बहुत पसंद आया। घर अगर इतना सुंदर हो तो मैं तो इस घर के ओनर को ही पटा लूंगी। बॉस, आपको ये घर कैसा लगा? घर तो अच्छा है, लेकिन इस घर की वाइब थोड़ी सी अलग है। यस बॉस, ये घर उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा भी कोई घर होता है क्या? ऐसे घर में तो इसका वॉचमैन भी नहीं रहना चाहेगा। एकदम बकवास घर। शुक्र है ना तो मैंने किसी को देखा और ना ही मुझे किसी ने देखा। बॉस, थैंक यू। ठीक है रे बाबा। हेलो। सर, आपको यहाँ का माहौल पसंद आया ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना? हाँ, नहीं है, नहीं है। आप लोगों की शूटिंग कब से शुरू होगी? जब तक बॉस नहीं कहेंगे तब तक शूटिंग स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो फिर आपकी फिल्म की कहानी क्या है? ये कहानी पूछ रहा है? बताइए, तुझे स्टोरी जाननी है? हाँ जी। सुन भाई, अगर मैं स्क्रीन में यहाँ से वहाँ तक जाऊँ और फिर वापस आ जाऊँ तो मेरी पिक्चर 100 दिन चलती है, समझा कि नहीं? इधर चला, मैं उधर चला और मेरी पिक्चर भी चली। बॉस उधर ना जाएं और इधर ही रुके रहें तो 50 days। यो बॉस, अगर आप उधर जाएं और इधर ना आए तो कम से कम फिल्म 50 दिन तो चलेगी ना? और अगर सर ने घूम के गोला बना दिया तो फिल्म हो जाती है गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, प्लैटिनम जुबली। अरे वाह, इसके 50 बढ़ाओ। 50,000 रुपए? 50 रुपए वे आप ही रख लो। बस 50 रुपए बढ़ाने के लिए बोला है? आपकी इस फिल्म में कहानी नहीं है क्या? वो कैसे? जैसे शरीर के लिए आत्मा जरूरी है, वैसे ही फिल्मों के लिए कहानी जरूरी है। कहानी कहानी नहीं तो कुछ भी नहीं, सही कहा ना मैंने? धीरे से दरवाजा खुलता है, वो धीरे धीरे स्लो मोशन में अंदर आता है। समझ गया ना? अब ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। Something is definitely wrong. क्या हुआ सर? अबे ये क्या कर रहा है? दीवार टूटती है तो टूटने देना, तू फोटो लगा। ठीक है भाई। ऊपर क्यों गया था? हल्का होने। इस फिल्म की शूटिंग की तैयारी मैं कर रहा हूँ, कैमरामैन हूँ मैं, आज डायरेक्टर भी बना दिया मुझे, पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। जाने दो, ऑल राउंडर, शाबाश। चला गया हमारा छोटू। छोटे, ए छोटे, कौन है छोटे? छोटू, छोटू। ए, किसी को भी छोटू नहीं कहना चाहिए, तेरे साइज के हिसाब से तुझे छोटू कहना चाहिए। छोटे छोटू कौन है बोल? अरे वही जो चड्डी में कांड करता था, जो बंदर को चुकंदर खिलाता था, जिसने मायके में हलचल मचा दी और उसने बाद वो की, वो कौन सी पिक्चर है? भागी उसकी दीपा, मिला मुझे धोखा, उस पिक्चर का हीरो। अरे आप बॉस की बात कर रहे हैं? अच्छा तो आप उनके दोस्त हैं? आइए आइए, बैठिए, आ जाओ आ जाओ, बैठिए। छोटे छोटे। हेलो। छोटे मोटे नहीं, दी बॉस, छोटे बॉस, रिस्पेक्ट।
ए, वो तुम सबका बॉस होगा, मेरा नहीं। तुम यहाँ चुपचाप बैठो। आप बॉस के बहुत क्लोज हैं क्या? ए, मुंह क्या देख रही है, इनके पैर छू। हेलो, हमारे भाई साहब गर्म हो रहे हैं, इनके लिए ठंडा दूध लेकर आओ जल्दी। अरे मिस हो गया। अरे लगता है कि दोनों फ्लाइट से आए। नहीं नहीं, हम तो साइकिल से आए हैं। अरे पैराशूट तो उतार दीजिए। सर आपके दोस्त ऐसे कब से हैं? ये पहले से ही ऐसे हैं या आप बाद में ऐसे हो गए? आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हमारे साथ जैसा था वैसा ही है वो। ए, मैंने कहा था ना, वो पहले एकदम सही थे, पागलपंती बाद में आई है। अरे मरवाएगा ये। सर इनकी पूरी फैमिली ऐसी है या ये बीमारी सिर्फ इन्हें ही है? इस बीमारी का एक साइंटिफिक टर्म होता है, इफेक्टिव डिफेक्टिव सेलेक्टिव कंपाउंड ऑफ मलेरिया, आप समझे ना? अरे ये क्या कर रहा है? तू चुप बैठ ना भाई, तू चुप बैठ। क्या मालूम है तुम्हें उसके बारे में? कुछ नहीं, आपको मालूम होगा। मालूम है वो कौन है पता है? वो छोड़ो। क्या तुम जानते हो वो किस खानदान से ताल्लुक रखता है? वो भी छोड़ो। छोड़ दिया। उसके पिताजी कौन है जानते हो तुम इस बारे में? उनको भी छोड़ो। छोड़ दिया। उसके चाचा के बारे में तुम्हें पता है कुछ? उनको भी छोड़ दे क्या? नहीं नहीं, उसको पकड़ लो। हाँ ठीक है, पकड़ लिया। उसके चाचा जी ने कितने भूखे लोगों को भर पेट खाना खिलाया पता है तुम्हें कुछ? ऐसे खानदान के बारे में बात कर रहे हो ना तुम? तो अक्सर सुनामी आने से पहले समुद्र के अंदर एक शांति आ जाती है। हाँ आती है, आती है, टीवी पे देखा है मैंने। आप कंटिन्यू कीजिए। उसके बारे में छोड़ दो। छोड़ दिया। उसके पिताजी के बारे में बताता हूँ। एक बार उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया था, बादल गरजे, बिजली कड़की और जोर से बारिश हुई। 10 गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। उस दिन गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला था। अरे तेज बारिश के कारण चूल्हा नहीं जला था। लॉजिक पे मत जाओ। 10 गांव के लोग बादल बिजली बारिश की परवाह ना करते हुए खाना पीना छोड़ के उठना बैठना छोड़ के अस्पताल के सामने जाके खड़े हुए। जानते हो क्यों? क्यों? उन सब का एक ही नारा था, एक ही जिद थी, एक ही लक्ष्य था, एक ही ध्येय था। अरे वाह 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 वाह, इतनी अधिक लोकप्रियता, इतना अधिक सम्मान, इतने अधिक लोगों का प्यार, इतने लोगों को किसी के लिए मैंने कभी इकट्ठा होते हुए एक साथ नहीं देखा। हाँ मैंने ऐसी भीड़ किसी अभिनेता के लिए देखी थी, या फिर मैंने ऐसी भीड़ एक लोकप्रिय देश के चहीते नेता के लिए देखी, लेकिन आज इतनी ही भीड़ में इस आदमी के लिए देख रहा हूँ। कौन है ये आदमी, कौन है ये आदमी, कौन है जिससे लोग इतना प्यार करते हैं? सर इतना अभिमान था लोगों को इन पर, भले ही 2 लाख खर्च हो जाए। डॉक्टर साहब इसे बचा लो। आप कौन है भाई साहब, उनके बेटे हो क्या? नहीं साहब। तो उनके प्रशंसक हो क्या? वो तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ साहब। इसने पूरे गांव से कर्जा लिया है, वो हमें वापस चाहिए। सर, सर, सर। इस बेटे का अपने बाप के साथ रिश्ता कैसा था, इसका भी कोई फ्लैशबैक है क्या? सर उनके पिताजी, सर वो दोनों बाप बेटे नहीं, फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स। पूरे गांव के बच्चे उनको पिताजी कहते थे। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है ना? चलो डेमो दिखाता हूँ। इधर आना बेटी। अच्छा तुम्हारी माँ का नाम क्या है? चंद्रकला है। ओ चंद्रकला की बेटी हो, तुम जाओ बेटी, तुम जाओ। 100 रुपए? आपका दिल तो बहुत बड़ा है पिताजी। अरे वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, तेरी बहन है बहन। सर ऐसे बाप को सुपरस्टार जैसा बेटा मिल जाए ये मुमकिन है क्या? उसको तो ऐसा लफंगा बेटा ही पैदा हो सकता है ना? हाँ हाँ सही बात, सही बात है ना? वैसे आप लोगों की बॉन्डिंग कैसी है उनके साथ? सर शोले फिल्म के जय वीरू की दोस्ती पता है, कर्ण दुर्योधन की मित्रता का पता है, शंकर महादेवन का जैसे संगीत से साथ है। दीवार गीली करने का मजा ही अलग है। हाँ निकल जा। वैसा ही सर, वैसा ही उसका और हमारा बॉन्डिंग है सर। ए, मेरा मुख देखा, पका उसे। ए, ए, एक घुसा दिया तो 30 के 30 लोग नीचे गिर जाओगे। इसे तुम किसी साउथ के फिल्म का हीरो मत समझना। ताल ठोक कर जो चलती हुई ट्रेन के सामने से निकल जाए, तुम इसे ऐसा नामी गिरामी बॉलीवुड का हीरो भी मत समझना। ताल ठोक के जो जमीन पे लिटा दे और दुश्मन को जो खिला दे कबड्डी, ये है हमारा सुपरस्टार। इसने मेरी बहुत तारीफ कर दी तो अब मेरा फर्ज बनता है। इसे हाथ भी लगाया तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा, समझा कि नहीं?
इसने मेरे भाई से 5,000 रूपए उधार लिए। इस तरह ब्याज मूल सब मिला के अब पूरे 20,000 रूपए हो चुके हैं। सीए है क्या? ए! अरे सीए को ब्याज का आइडिया होता इसलिए पूछा। अच्छा ये बताओ, इसे पकड़ के लेके जाओगे तो तुम्हारा बॉस तुम्हें कितने पैसे देगा? पूरे 10,000। इधर आना जरा, इधर तो आओ। यहाँ दोनों एक्शन रिएक्शन में लगे हुए हैं और तू सीना चौड़ा करके घूरने लगा हुआ है। मालूम है ना बेटा, ये घूरना उड़ना मुझे पसंद नहीं है। अब चल रहे, जा 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 अपनी पोजीशन पे जा। इतने सारे लोग हैं, 10,000 मिलेगा, एक को 500 रुपया भी नहीं मिलेगा मेरे भाई, इंक्लूडिंग GST। हाँ, वो तो कटेगा ही। तुम लोगों को ये पता है कि 1 किलो मटन कितने में आता है? क्या तुम्हें पता है सिटी बस का महीने भर का पास कितने में बनता है? वैसे इनकी शक्ल से लगता नहीं, पर अगर इनकी गर्लफ्रेंड हुई तो कॉफी हाउस में जानते हो कितना खर्चा होता है? 250 रुपए लेते हैं और 1 पैसे की कॉफी नहीं देते। तो 10,000 लेके भी तुम लोग उखाड़ क्या लोगे? हाँ, जॉब ढूंढो बे। लड़ाई झगड़ा मारपीट किडनैपिंग, उसके बाद पुलिस तुम्हें पकड़ के पेलेगी, और ये सब किस लिए किया? 100 रुपए के लिए। एक काम कर, तू उसे मार और तू उसे मार, देखते हैं कौन जीतता है, और जो भी इस फाइट में आखिरी में बचा रहेगा उसे 10,000 मैं अपनी जेब से दूंगा। ए, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, चुप कर नहीं तो जबान काट दूंगा। तूने ज्यादा बच्चे पैदा किए तो मैं तेरा क्या काटूंगा? ए, चुप रहो सब लोग। सुनो बेटा, तुम लोगों को ब्याज पे पैसे उधार देकर उनसे ब्याज का दुगना पैसा वसूलते हो, लोगों का खून चूसते हो, ये कैसा घटिया बॉस है तुम्हारा? देख भाई, आखिरी में जो बचेगा वो मुझसे 10,000 ले लेना। बार बार जूम करके दिखाकर बोर नहीं करूंगा आपको। लड़की को देवी की तरह पूजा करने वाला कहीं ना कहीं तो इस देश में। आज तो पटाखे रहूंगा। अरे ये तो निकल गई। कौन है ये? अरे कौन हो भाई तुम? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? क्या तुम जानते हो मुझे पहले से? ए ए ए ऑटो। ए एक्सक्यूज मी सर, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ने में मेरी मदद करोगे? बुला रही है। जी मैडम, चलिए। आएगी क्या? भाग ले बेटा। आइए। भाग 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 भाग। गया, पुलिस वाला गया। अब मैं करूँगा पीछा। तुमको क्या लगता है मैं तुम्हें देखकर इम्प्रेस हो जाऊंगी? तुम रॉकिंग स्टार यश हो क्या? नहीं, पर तुम क्या कैटरीना कैफ हो? बिल्कुल नहीं। ये खींच के दूंगा तुझे। जब तू कैटरीना कैफ नहीं तो तू क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि तुझे यश मिलेगा? शक्ल देख के डिमांड करनी चाहिए ना। चलो गले लग जाओ, जल्दी से आ जाओ। बट एज अ फ्रेंड, एक बात जरा एक्सप्लेन करो। लड़कों को जब चाहे तुम राखी बांध के भाई बना लेती हो, तो हम लड़के मंगल सूत्र पहना के बीवी क्यों नहीं बना सकते? कुछ भी, सच्चा प्यार करता हूँ तुझसे, यश भी नहीं करेगा। हे, तुम अभी सो ही रहे हो? उठो 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 ना, पैसे दो, लाओ दो पैसे। हाँ। दूं? अरे जेब फट गई। तुम्हारा पसंदीदा हीरो कौन है? आमिर खान। वो क्या, उसकी हाइट मेरे जितनी ही है, ऊपर से एक्टर भी अच्छा है। पर एक दिन मैं उनकी शूटिंग पे गया तो उन्होंने मुझसे झूठ बोल दिया। व्हाट नॉनसेंस, वो क्या झूठ बोले तुमसे, बताओ जरा। उन्होंने कहा मैं बड़ा सुपरस्टार नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी तरह मैं साधारण इंसान हूँ। उस दिन मैं समझा कि एक स्टार का बड़प्पन क्या होता है, पर बोला तो झूठी ना, पर स्टार स्टार होता है यार। ऐसा क्यों बोलते हो? देखो अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो बोल भी दो। एक और सुपरस्टार जो मेरे बचपन से फेवरेट है, उनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। जैसे इनकी हीरोइंस इन पे फिदा होती हैं, तुम मुझ पे हो जाओ, क्योंकि मेरी रियल लाइफ हीरोइन तो तुम ही हो। जैसा हम सोचते हैं अगर वैसा हो तो जिंदगी अमेजिंग हो जाए, पर ये किस्मत का खेल ही कुछ और है। कॉन्ग्रेट्स यार, कॉन्ग्रेट्स, इसके मम्मी डैडी तुमसे शादी के लिए राजी हो गए। यस। वो तो राजी हो गए हैं, पर मेरी मर्जी भी तो पूछनी चाहिए थी। छोटे यार तू ये क्या बोल रहा है, तुझे पता है इनके पिता? किसी से प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं है,
पर शादी एक जिम्मेदारी है जो मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छे से निभा पाऊंगा। क्यों, शौक लगा क्या सर? मैं बचपन से ही इसके साथ हूँ तो भी मैं इसको नहीं समझ सका। गीता के पिता को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि छोटे उनका दामाद बने। जीवन की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करके सिर्फ सिनेमा सिनेमा बोलने वाले को मैं अपनी बेटी नहीं दे सकता। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर दिया और वादा किया अपने आप से कि इसी इंडस्ट्री में मेहनत करके नाम कमाऊंगा, और उसने कमा लिया। उसे कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, ऐसा इंसान तुम्हें नहीं मिलेगा। खाली बैठा हूं, क्या करूं? कौन सी किताब पढ़ रही हो? आहा, कितनी अच्छी फोटो है ना? कितने भाई बहन हो तुम? एक्सक्यूज मी, तुम्हारे पिताजी के कितने बच्चे हैं? मेरी दादी मेरे मम्मी पापा को मिलने ही नहीं देती थी, हमेशा उनको उनसे दूर रखती थी। तुमने कहा कि दोनों को मिलने नहीं दिया जाता था, तो तुम क्या ब्लूटूथ से पैदा हो गई? अरे ऐसी बात नहीं है सर। तो कैसी है? मेरे मम्मी पापा ने लव मैरिज की थी। ओह। हाँ? अरे मैं कैंडल लेकर आती हूँ। अरे बिजली जाने दो, तुम तो अंधेरे में भी अच्छी लग रही हो, कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? अरे सर आप भी यहीं पर हैं क्या? मुझे लगा कि सिर्फ हम दोनों ही हैं। यहाँ हम तीनों के अलावा कोई प्रेतात्मा भी है। धोती संभाल लो। अरे धोती क्यों संभालू मैं अपनी? धोती तो उतर ही नहीं सकती। अरे किसने उतार दी मेरी धोती? निकल ले बेटा। कॉफी मंगवा दूं सर? चाय। ओके सर, मैं जाकर आता हूँ। पूरा निकाल के आना। ये चाय नहीं पिएगा क्या? तुम तो पियोगे ना? चाय नहीं, कुछ और पीते हैं ना सर। वो पियोगे क्या? हाँ। पर क्यों? अरे पीऊं नहीं तो क्या करूं, इस घर में हमेशा ही डर लगा रहता है सर। अरे अब हिम्मत है तो सामने आना। कहाँ है तू? अरे आना।
कट क्यों किया? फर्स्ट स्ट्रिंग में नहीं उठाना चाहिए बॉस, थोड़ा इंतजार करने दो। अरे ला दो। सर्वे भवन्तु सुखिना। भगवान ने ही संपूर्ण सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है, जिसमें पशु पक्षी पेड़ पौधे मात्र मनुष्य ही नहीं रहते, थोड़ी बहुत आगोचर शक्तियां भी यहाँ रहती हैं। लेकिन ये नालायक मनुष्य प्राणी इन शक्तियों के बारे में नहीं जानता, वो अपनी मर्जी से ही जीता है, जैसे कि यह संपूर्ण सृष्टि उसकी संपत्ति हो। बात समझ आई? मौत सबको ढूंढ ही लेती है, एक तुम ऐसे हीरो हो जो मौत को ढूंढने आए हो। क्या मैं जान सकता हूँ कौन बोल रहा है? मेरा नाम सुनते ही अच्छे अच्छे भ्रष्ट लोगों की चड्डी गीली हो जाती है। मुंबई लोकल चिल्लर रावड़ी से लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन तक सारे के सारे भीगी बिली बनकर कानून के सामने सरेंडर करते हैं। सारे भ्रष्ट और गद्दार लोगों को सेंट्रल जेल में लाकर राष्ट्रगीत गवाकर लॉ एंड ऑर्डर सिखाने वाला रक्षक हूं मैं, अग्नि MBBS। मेरा बेटा मेरे कंधे तक आता है। और एक प्यारी सी बेटी है। उसके बावजूद भी मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता, नौजवान मानता हूं। आप काफी दिलचस्प इंसान लग रहे हैं, आपसे तो मिलना ही पड़ेगा। मुझसे बेकार में क्यों मिलना चाहते हो? मैं यहाँ कोई कथा थोड़ी ना सुना रहा हूँ। पर वैसे मुझसे मिलने के लिए दरवाजे पर नो एंट्री का बोर्ड भी नहीं लगा रखा है। अगर उस ऊपर वाले की अनुकंपा हुई तो हम जरूर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद, बाय। और कितने इंतजार करूं? अभी सब मुझसे नहीं हो पाएगा। देख भाई, कोई भी भूत हो लेकिन वो इंसानों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं, ये सच है। हाँ, लेकिन अगर किसी भूत को कोई कंफ्यूजन हो गया हो तो अपने सीनियर भूत से बातचीत कर लेनी चाहिए। अरुंधति, नागवल्ली, चंद्रमुखी, इन्होंने किसी को परेशान नहीं किया। जिस भूत को जिसने तकलीफ दिया हो उसे ही तकलीफ देना चाहिए, हमें नहीं। समझ गई ना? हमें मत छूना, हम सब निर्दोष हैं। अगर कोई डाउट हो तो इससे पूछ लो। भैया, आप किससे बात कर रहे हो भैया? ए, चुपचाप खड़ा रहे। भूतों से बात करने का सिर्फ यही एक तरीका है। अरे अरे अरे, अरे भैया, मुझे एक डाउट है। तुम लड़कियों को फिल्मों में हीरोइन बनाने का झांसा देकर इसी बंगले में लेकर आते हो ना? उनमें से अगर कोई मरकर भूतनी बन गई हो तो? उन्हीं लड़कियों में से तो कोई नहीं है जो आपसे बदला लेना चाहती हो भूतनी बन करके? जोरदार जोरदार। मेरे दिल को आज इतना सुकून मिला कि मैं तुझे बता नहीं सकता। भूत तुझे पसंद नहीं करते और ना ही मैं करता हूँ, समझा? तुम मासूम है, मासूम क्यों है जानता है? आलतू जलाल तू, आई बुला को टाल तू। आलतू जलाल तू, आई बुला को टाल तू। निकल तू, निकल तू, निकल तू। वाह, क्या किस्मत है, यहाँ हमारी जान निकल रही है। और ये सर बॉस योग निद्रा में है, डिस्टर्ब मत करो। ओ, अभी योग निद्रा में है, बाद में भोग निद्रा में जाएंगे। अबे ओए, आंख खोलना। इन आंखों से अभी और क्या क्या देखना बाकी है। चलो एक काम करो। क्या? अपनी आंखें दान कर दो। तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें सिर्फ डराती हैं और कुछ नहीं। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। ओए मुंह बंद कर अपना। सर, जिंदा लोग नेत्रदान थोड़ी करते हैं। पॉइंट। अच्छा सुनो। हाँ बॉस। एक काम करो। क्या सर? फट से मर जाओ। हाँ? तब आँख, किडनी, दिल, जिगर सब कुछ दान कर सकते हो। सर, बोलने से पहले दो बार सोच तो लो। एक भूत होते हैं उड़ने वाले और दूसरे भूत होते हैं चलने वाले, और कुछ भूत ऐसे होते हैं जिन्हें उड़ना और चलना सब कुछ पता होता है, वो होते हैं ऑलराउंडर। सर, कंफर्म सर, ये मल्टी टैलेंटेड है। ओह माय गॉड, बॉस को पानी चाहिए। बॉस को वाटर चाहिए, प्लीज। वही तो पानी दीजिए, प्लीज। थैंक यू।
सर 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 सर, इतना बढ़िया मसाज करने वाली लड़की का कत्ल कर दिया आपने। मार दिया इसे, मतलब नहीं मारा आपने इसे, अब इसे देखते रहें या हॉस्पिटल लेकर चलना है? ये तो बेहोश है सर। अरे मुंह क्या देख रहे हैं, फोन कीजिए डॉक्टर को। डॉक्टर को शक्तियां भी यहां रहती, आपसे तो मिलना ही पड़ेगा। हेलो हेलो सर, डॉक्टर अग्नि बोल रहे हैं। सर नमस्कार सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या सर? पुलिस स्टोरी, अग्नि IPS, दुर्गा का बेटा। सर राष्ट्रगीत आप गाते थे, मैं आपको सलूट मारता था सर। अबे, अबे, रुक रुक जा। ए, चुप रहना। सर आप कैसे अंदर से डायलॉग्स बोलते हैं सर, क्या बात है सर। जल गया, आप अग्नि है, अग्नि है। तुम किसी को देखकर कंफ्यूज हो गए? सर मैं कंफ्यूज नहीं हूँ सर। सर आपकी फिल्म मैंने 12-12 बार YouTube पर देखी है। सच्ची? आप ही अग्नि है? अग्नि ही हूँ। IPS, MBBS, साइकेट्रिस्ट। सर बात करने के मूड में नहीं है। वही तो। लेकिन मैं अभी सर इतना बड़ा कोट पहन के अगर आपने इसे पकड़ लिया तो सारे गुंडे मैदान छोड़ देंगे। लगता है सर मूड में आ गए हैं, देख कैसे पटाता हूँ इन्हें। कानून हो या पुलिस, उनसे बचना बहुत आसान है, लेकिन हमारे अग्नि, उनकी आंखों से बचना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। चांस ही नहीं मिलेगा, बचोगे कैसे? सर सर आखिरी मौका, लास्ट चांस। हाँ, कोई पैदा करने वाली माँ का कर्ज चुका नहीं सकता, ये सच है, लेकिन उस न्याय देवता का कर्ज उससे भी बड़ा होता है। लेकिन उस माँ के कर्ज को भूलकर स्टेथोस्कोप पकड़कर आप एक डॉक्टर बन गए हैं, ये तो अन्याय हुआ ना सर। यू आर अनफिट टू बी अ डॉक्टर, रिमूव इट आई से, रिमूव इट आई से। D for dedication, O for operation, C for caring, T for treatment, O for oral, R for रबड़ी का आचार, रक्षा करने वाला अग्नि। MBBS, पेशेंट कहाँ है? जल्दी उस तरफ, उस तरफ। देखा आपने, अभी तक ढोंग कर रहे थे, अब बन गया ओरिजिनल, दिखाता हूं। Open your eyes. Slowly. सब कुछ ठीक होगा, रिलैक्स। ओके सर। थैंक यू। डोंट वरी, अब सब ठीक हो जाएगा।
सर आपका पेमेंट। लाओ, परिश्रम का फल है। सर प्लीज, आई डोंट ट्रस्ट। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। मनुष्य आज आसमान में पंछियों की तरह उड़ रहा है, लेकिन ये उड़ने की परिकल्पना उसे रामायण से मिली है, पुष्पक विमान से। बात इतनी है कि हम कितने भी अपडेट हो जाएं, उसका पार नहीं पा सकते। हम किसी भी चीज की खोज कर लें, मनुष्य कब और कहां मरने वाला है, कोई इसकी खोज नहीं कर पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि हम मनुष्य एक शक्ति हैं, लेकिन इससे बढ़कर एक और शक्ति है और उस पर शक नहीं करते, उसका सम्मान करते हैं। तुम विश्वास नहीं करते, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन अपनी दोस्ती की खातिर तुम इसे पहन लो। एक बात गौर से सुन लो, बस इसे उतारना मत। ललू। बोलिए सर। इस हफ्ते सारी लोकेशंस फाइनल करके शूट स्टार्ट कर देंगे। अपन तो 24 घंटे तैयार रहते हैं सर जी। मतलब आपने बोला रेडी तो रेडी, कैमरा का स्विच ऑन कर देंगे बस। अरे जब भी आपका मन करे ऑन ऑफ करते रहिएगा सर, क्योंकि कट कब बोलना है ये तो आप डिसाइड करते हैं। सिनेमा लाखों को उम्मीद देता है, लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, डिसिप्लिन जरूरी है। ज्ञान पेल दिया। अच्छी बात है ना, तुम्हारे जैसे बेवकूफ को ज्ञान मिल गया, कम से कम अब दिमाग तो ठीक चलेगा, वरना तुम्हारे जैसे फालतू आदमी को काम मिल जाए वही बहुत है। एक काम करो, अपनी बीवी को भेज। सर आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब जो मैसेज लिखा है वो भेज दो और फिर दो फोन। लीजिए लीजिए। एक सेकंड, प्रोड्यूसर को फोन लगाओ और उससे कहो कल हमें मिलना है। तो फोन क्यों मांगा? ऐसा ही स्टाइल है। ओहो दीवान जी नमस्कार। अरे क्या दीवान जी, जब भी आपको देखते हैं आप शॉल ऐसे बांधते हैं जैसे फांसी लगा रखी हो। अरे कॉमेडी करो, कुछ जोक्स बोला करो। ये तो ऐसे घूर रहा है जैसे हमने इसे पैसे लिए हों और इसे वापस ना किए हों। चलता हूं। अरे थोड़ा हंस दोगे तो क्या आपकी उम्र कम हो जाएगी दीवान जी? सर पिक्चर रेडी करके यहां रिलीज मत कीजिएगा। अरे सर अमेरिका में रिलीज करेंगे, अमेरिका के सबसे अमीर लोग हमारी फिल्म देखने आएंगे। हिंदी फिल्म होगी हिट और अंग्रेजी हो जाएगी फ्लॉप, आप होंगे यूनिवर्सल स्टार। इतना बड़ा मार्केट है क्या? हाँ और नहीं तो। है ना केयर मार्केट। मैं अपने मार्केट की बात कर रहा हूँ। हाँ बॉस वही मार्केट। देखो मुझे बॉस मत बुलाया करो, तुम ये इंडस्ट्री है ना ये बॉस की बहुत बैंड बजाती है। तू एक काम कर मुझे लॉर्ड बुलाया कर, समझा ना। अरे दीवान जी इधर आइए। नहीं आएंगे क्या? मेरे बुलाने पे तो भाग के आना चाहिए था ना। अरे भाग के क्या, गिरते पड़ते आएंगे, आपको बुलाना नहीं आता। ये देखिए चल इधर, लगता है शॉल ओढ़ने में कोई परेशानी हो रही है। दीवान जी वहीं खड़े रहेंगे या फिर यहाँ भी आएंगे? सर आपकी इज्जत का सवाल है, आने से मना कर रहा है यहाँ। हम लोग बाद में आते हैं, ज्यादा घूरेगा तो आंखें निकाल के कच्चे। वो है इस घर में कहीं कोई तो है, पता लगा के रहूंगा। क्या हो सकता है? हाँ आइडिया, कम ऑन आइडिया, आ जाओ। अगर गलती से ये मिस हो जाता तो अबे हाथ हटा। कम ऑन आइडिया, हाँ हो आइडिया, अरे कहाँ हो, आ जाओ आ जाओ। तेरे पैर की तो मैं
भ्रम है ना। बॉस, क्या हुआ आपको? अच्छा, जब तुम बॉस के साथ जाओगी तो वो हुआ वी टू, और जब मेरे साथ जाओगी तो मी टू। हाँ, नहीं चाहिए मुझे, मैं मुंह ढक के सो जाऊंगा। तुम जाके बॉस को सुलाओ। बहुत खतरनाक लड़की है, इसके साथ नहीं घूमना, सवाल ही नहीं उठता। अगर वो अंदर थी तो ये बाहर क्या कर रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना सर, मुझे तो वो किसी इंसान का किया हुआ नहीं लगता। हो ना हो सर, यहाँ किसी प्रेत का साया है। अरे इतनी टेंशन मत लो, कांदी वाली से लेके चिंचपोकली तक जितने भी फल वाले सब मुझे जानते हैं, उनका बहुत भौकाल रहता है, पैसे तक कम नहीं करते। सर, उस प्रेत का आखिर फल वालों से क्या लेना देना है सर? भूत है वो हमें परेशान करता रहेगा, हमें होशियार रहना ही पड़ेगा। आप भी होशियार रहो। अगर कहानी सीधी सीधी चलती रहे तो क्लाइमेक्स में मजा नहीं आता, इसीलिए अब आने वाला है ट्विस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को सिर्फ आप पे शक है। इस घर में जो हो रहा है, ये सारी घटनाएं आपकी ओर इशारा कर रही हैं। सर, इस दीवान के ऊपर मुझे पहले से ही शक था, एक बार शू कीजिए। काट लूंगा इसे। लगता है आपको बहुत बड़ा सदमा लगा है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपको उसे सुधारना चाहिए। चुप मत रहिए। बेचारी पूर्णिमा माँ बाप के बिना अनाथ बच्ची थी, वो जन्म से ही अंधी थी। वो मन की आंखों से मुझे देखकर हमेशा मुस्कुराती रहती, लेकिन हमारी जिंदगी में जो परेशानी आने वाली थी उससे हम अपरिचित थे, क्योंकि धोखा तो अपने ही देते हैं, ये बात हम अक्सर भूल जाते हैं। आजकल तुम क्या कर रहे हो शंकर? अब्रॉड में स्टडी खत्म करके मुंबई में एक एमएनसी में काम कर रहा हूँ। ओह, हमारे दीवान ने हमारी पूर्णिमा की जिंदगी के लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। उन्हीं के परिवार से तुम हो ना? अच्छा एक बात बताओ, तुमने शादी करने के बारे में क्या सोचा है? देख, मैं जब तक अच्छी हूँ तब तक शादी कर ले, क्योंकि मैं तेरी शादी में टक 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 करके पूरे मंडप में घूमना चाहती हूँ, समझे? अभी मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ। मतलब ये मामा जी, मैंने पूर्णिमा से शादी करने का डिसाइड किया है। पूर्णिमा की आंखें नहीं है, इस सिंपथी में नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर कोई दया नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। बचपन से ही मुझे पूर्णिमा बहुत पसंद है। अगर आप इस शादी के लिए मान जाते हैं तो हम जल्द से जल्द शादी करके अपनी जिंदगी साथ बिताना चाहेंगे। आप सोच लीजिए, मतलब ये नहीं कह रहा हूं अभी सोचना है, आपके पास टाइम है, आराम से सोचिए, अभी खाना खाते हैं। बेटा, मैं तुझसे एक बात बोलना चाहती हूँ, तू मानेगी ना? दीवान जी का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ही उपकार है, मैं इस जन्म में तो उनके उपकारों को कभी नहीं भूल सकती। सुन बेटा, तुम्हें उससे ही शादी करनी पड़ेगी।
नानी मैं आपको नहीं छोड़ सकती। हा? मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। देख देख मैं तुझसे एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर तू इससे अभी शादी नहीं करेगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। ये शादी वादी करने में मेरी कोई भी दिलचस्पी नहीं है नानी। लेकिन नानी अगर मेरे शादी करने से आपको खुशी मिलती है तो आपको जो उचित लगे आप वो करो। देखो तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये सोचकर कभी उदास मत होना। अब से तुम्हारी आंखें मैं बनूंगा। अच्छा तुम्हें एक बात पता है, अगर हम भारतीय मरने के बाद अपनी आंखें डोनेट करेंगे ना तो पूरी दुनिया ब्लाइंड फ्री हो जाएगी। हाँ सुना है मैंने। इसी दृष्टि से मैंने कुछ डिसाइड किया है। तुम्हारे नाम से एक बहुत बड़ा आंखों का अस्पताल खोलूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे नाम से मत बनाना, नानी के नाम से बनाना। ओके पर इसके लिए ना मुझे तुमसे थोड़ी मदद चाहिए। मदद करोगी या नहीं? अब मैं आपकी हूँ, आप मेरे जीवन साथी हैं। पूरे जीवन तक आपका साथ देना मेरा सौभाग्य होगा। एक बड़ा आई फाउंडेशन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स, सारी फैसिलिटीज, अगर ये सब देना है तो अंदाजे से 8 से 10 करोड़ तो खर्च हो गए। इसके लिए तुमसे थोड़ी मदद मिल जाए तो। 10 करोड़ रुपए? पर मेरे पास इतना पैसा कहाँ है? तुम्हारे पास है? नहीं मेरे पास कोई पैसे नहीं है। है यानी ये घर, जायदाद, जमीन, पुरखों से मिला बहुत कुछ है, अगर ये सब दे दोगी तभी कुछ कर पाऊंगा। ओ ये सब, जब मैं 18 साल की होने वाली थी तब ये सारी प्रॉपर्टीज मुझे मिलने वाली थी, लेकिन मेरे मैच्योर होने के पहले ही ये सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट के नाम कर दी गई। अब मुझे पैसे क्यों चाहिए? मेरे पास मेरी एक अच्छी नानी है और अब आप मिल गए हैं। पैसा हो ना हो पर प्यार के साथ हम सुख से जी सकते हैं, है ना? हाँ। मुंबई में मैं बड़े आराम से जी रहा था, पर तुमने मुझे वो सपने दिखाए जो कभी साकार नहीं होने वाले हैं। ये सब तुम्हारी गलती है। वो बुड्ढी मरेगी तो सारी जायदाद मुझे मिलेगी, यही बोला था ना? अब क्या हुआ, ये सारी जायदाद ट्रस्ट के नाम कर दी है। तेरी बात मानकर बर्बाद हो गया मैं। दरअसल मुझे भी ये बात अभी पता चली है। बिना किसी को कानों कान खबर हो मैंने अपनी पहली बीवी को चुपचाप इस दुनिया से परलोक पहुंचा दिया। अगर मुझे ये जायदाद नहीं मिली ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको काट दूंगा, समझा? अब भी ज्यादा वक्त नहीं बीता, जोर जबरदस्ती से हम ये काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें सब्र करना ही होगा। समय पर वार करना सीख लो। मां, 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 माँ जी जैसा आपने कहा मैंने वैसे पेपर तैयार करवा दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, अब तो बस आपको साइन करने हैं। आप साइन करेंगी आपका काम हो जाएगा। अरे तुम कब उठी? हाँ? नींद अच्छे से आई क्या? पता नहीं क्या पाप किया मैंने।
कि तुमसे मेरी शादी हो गई। मैं अपनी दुनिया में खुश थी, मैं अपने सपनों के साथ जी रही थी। सोचा तुमसे शादी करके कुछ खुशी मिलेगी, लेकिन तुम्हें प्यार नहीं मुझसे कुछ और चाहिए, वो मैं जान गई हूं। दरअसल मुझे भी ये बात अभी पता चली है। बिना किसी को कानों कान खबर हो, मैंने अपनी पहली बीवी को चुपचाप इस दुनिया से परलोक पहुंचा दिया। अगर मुझे ये जायदाद नहीं मिली ना, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम जो चाहते हो उस पैसे में से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मार दोगे ना? नहीं, तेरी नानी को अगर जिंदा देखना चाहती है तो जैसा बोलूं वैसा कर। वैसे भी मेरे बारे में तू सब जान गई है। हत्या करने वाले को फिर से हत्या करने में कोई तकलीफ नहीं होती। ये बढ़िया चुपचाप सोती रहे, इसलिए इसे 10 स्लीपिंग टैबलेट्स दी थी। बेचारी ऊपर वाले के पास चली गई, पता नहीं क्या जल्दी थी। अब अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी और तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। आप कुछ मत करना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। ये क्या बोल रही है बेटी? जिस नीच ने तेरी हालत की है, तू उसे माफ करने की बात कर रही है? मेरा जीवन बर्बाद करने वाले उस पापी को बस एक बार देखना था, छोड़ूंगी नहीं उसे। मैं फिर आऊंगी, वो भी आएगा, छोड़ूंगी नहीं उसे। मैं बदला लेकर आऊंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे। क्या सिनेमा, क्या सक्सेस और क्या स्टारडम, ये सब बस दिखावा है। एक ही चीज है बस जो आपकी आत्मा को तृप्ति देती है, और वो है जिसके साथ गलत हुआ है उसे इंसाफ दिलाना। हमारे देश में इंसान तो जरूरी है ही, लेकिन इंसानियत ज्यादा जरूरी है। आप महान है गुरु, मान गए। एक्चुअली बॉस ऐसे नहीं है, उनका तो स्टाइल ही अलग है यार। वो इंसान ही अलग है, जिससे नाराज हो जाते हैं उसके साथ 10 मिनट भी नहीं रहते, लेकिन फैंस के साथ कैसे रहना है ये उन्हें बहुत अच्छे से आता है। सब लोग उनसे प्यार करते हैं और वो भी अपने फैंस से उतना ही प्यार करते हैं। कहा था ना रास्ते में वड़ा पाव नहीं खाऊंगा, तुम लोग भी ना सर। ए कैसा है, मोटा हो गया यार? शादी हो गई ना सर। ए शादी हो गई है तो बीवी को मोटा कर, खुद क्यों मोटा हो रहा है? गलती हो गई सर। सर ए तू क्यों इतना कमजोर हो गया? शादी कर ली। ए शादी करके कमजोर होता है क्या? आप करके देखिए, पता चल जाएगा। ये लीजिए सर। ए सब कुछ रेडी है ना? टाइम भी हो गया। ए श्रवण क्रेन नीचे उतार, जब सब काम मैं करूंगा तो तू क्या करेगा? चल उधर जा। तू लाइट के सामने छतरी लेकर क्या कर रहा है? तेरी छतरी मुझे नहीं चाहिए, हीरो हीरोइन को चाहिए होती है। बदतमीज आदमी सुने जा रहा है, हट यहाँ से, चल। स्टॉप, सीन ऐसा नहीं है, सीन बिल्कुल अलग है। सर सर वन सेल्फी प्लीज, सिर्फ एक ही सर। यहां बैठ सकती हूँ सर? और उस डायरेक्टर की कहानी क्या सुनाऊं? ओह सर,
अब बस दो दिन बचे हैं और हमारी शूटिंग फिनिश। हाँ ठीक है, हाँ समझ गया, रीशूट करिए। क्या? क्या फुल फिल्म रीशूट? सर पर क्यों सर? पैन इंडिया बनाएंगे सर। इस पैन इंडिया के चक्कर में हमारा प्रोड्यूसर पैन इंडिया हो जाएगा सर। सुनो, आई एम अ पैन इंडिया स्टार, मैं सिर्फ पैन इंडिया मूवीज करता हूँ। बड़ी मुश्किल से शूटिंग खत्म हो रही है सर, आगे शूटिंग और बढ़ाई तो हमारा प्रोड्यूसर यहाँ से पक्का भाग जाएगा सर। तो भागने दो। आप क्या बोल रहे हैं सर? देखो सारे हीरोज इस वक्त पैन इंडिया फिल्में कर रहे हैं, बनेगी तो पैन इंडिया बनेगी, नहीं तो तुम जानते हो पी से पैक। नहीं सर, नहीं सर, आप ऐसा बिल्कुल मत बोलिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि अपनी ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पे ही रिलीज की जाएगी। अरे भाई मेरा मार्केट बढ़ना चाहिए ना सर। जब आप मार्केट में निकलते हैं तो कोई भी आदमी आपके साथ एक फोटो भी खिंचवाता है क्या सर, मुझे बताइए। और आप पैन मार्केट की बात कर रहे हैं। नहीं खिंचवाता है, इसीलिए 20 करोड़ रुपए डालकर हम जाएंगे चेन्नई, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, हर जगह सिर्फ मेरे चर्चे होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे। पैन इंडिया सिनेमा बनाओ अभी के अभी। सर सिर्फ दो दिन में शूटिंग खत्म हो जाएगी सर, प्लीज बात मानिए। ओके सर, हो जाएगा सर, प्लीज छोटे बॉस। ओके आइए बॉस, शॉट बिल्कुल रेडी है सर, आइए ना प्लीज। कैसे भी करके ये शॉट हो जाए। माय बॉस इज वेरी हम्बल, माय बॉस इज डाउन टू अर्थ। अरे कहाँ देख रहे हो, सही से कवर करो, सोशल मीडिया में पूरा वायरल होना चाहिए, हैशटैग यूज करना ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। जूम करो, जूम इन जूम आउट ढंग से करो, हर जगह यही वीडियो ट्रेंड होना चाहिए। गरीबों के आंसू पोंछने वाला छोटू बॉस, दया का सागर छोटू बॉस, गरीबों का पेट भरने वाला छोटू बॉस। ठंड लग रही आपको? दान करने वाला दानी, अपनी जैकेट गरीबों को देने वाला महात्यागी। नमस्कार। अरे नहीं, गरीबों को अपना कीमती कॉस्ट्यूम देने वाला महान त्यागी। सो स्वीट। ए बस हो गया, वीडियो में अच्छा आ रहा हूँ ना मैं, गुड लुकिंग, वायरल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ओके सारे सोशल मीडिया पर, सारे ट्रोल पेजेस पर, बॉस डाउन टू अर्थ, सुपरस्टार बैठा जमीन पर, ये सब कैप्शंस के साथ वायरल होना चाहिए वीडियो, याद रखना समझे। तेरा ये ढोंग अगर पब्लिक के सामने आ गया ना तो पब्लिक तुझे चप्पल से मारेगी, देख लेना। हाँ ओके ओके, थोड़ा प्लीज प्लीज। अरे बेवकूफ, लाइट मेरे ऊपर नहीं मारना यार, हीरो के ऊपर लाइट मारना है। हेलो। अरे डिस्टर्ब मत करो यार, मुझे शॉट लेना है। सुनो पूरा फोकस चेहरे पर, एक्सप्रेशन चाहिए मुझे, जल्दी करो यार, जो बोलना है जल्दी बोलिए। 2 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, वो क्या है फॉरेन में एक शूट आ गया, तुम ड्यूप ले लो। डुप्लीकेट आपका? ए, अगर डुप्लीकेट से करवाना था तो मैं तुम्हें हीरो क्यों लेता, क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो बहुत सारे लोग खड़े हैं, इज्जत से बात करो। तेरी क्या इज्जत करूं, तुझे मेरी इज्जत करनी चाहिए, शक्ल देख अपनी तू हीरो लगता भी है। तेरी फिल्म थिएटर में जाकर देखेगा कौन बे, तेरी पुरानी फिल्मों के सारे कलेक्शन 0 है। मॉर्निंग शो में भी पब्लिक नहीं है, प्रोड्यूसर बर्बाद हो चुके, गली में घूमने वाला छपरी भी तुझसे अच्छा दिखाई देता, समझ गया? मैंने तेरे जैसे गवार को डायरेक्शन दिया, इसके लिए मैं अपने आप में शर्मिंदा हूँ। इतना बोलने की जरूरत नहीं, समझा? बोल। बहुत हीरो देखे मैंने अपनी लाइफ में, बड़े बड़े हीरो मेरे सामने लाइन लगाते थे, मेरी मत मारी गई जो मैंने तेरे जैसे आदमी को डायरेक्ट कर दिया, तूने प्रोड्यूसर को भी बर्बाद कर दिया। तेरे इस पाप के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता, तुझे सबके सामने चप्पल से मारूंगा मैं, चले जा यहाँ से, आउट 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 आउट। सर हीरो को खूब डांटा ना सपने में सर, ये सपना था। अरे सर उस हीरो को कितनी बार डांटा होगा मैंने सपने में, और वो भी जोर जोर से सर, चाकू लेके खच पच कर दिया था सर, गुस्सा आ गया था सर। लेकिन आपके लिए एक सलाह है, कूल रहना सीखिए सर, कूल रहिए। तू मुझे कूल रहने को बोल रहा है, कल के आए हुए नौ सीखिए। तुझे कोई स्पॉट बॉय ना बनाए, मैंने तुझे कैमरामैन बना दिया, चल निकल जा यहां से, तेरी हिम्मत से चल भाग जा, चल निकल सर। अगर पिक्चर बनानी है तो इंग्लिश में बनाओ, हॉलीवुड की तरह। वो क्यों? एक पिक्चर बना के उसे ही ब्रांड बना लेते हैं, कमाल है सर। ए, तुम्हें पता है उन्होंने कितना कंटेंट हमारे यहाँ से चुराया है? हमारे यहाँ से चुराया मतलब? हवा में उड़ने वाले हीरो का कंटेंट हमारे हनुमान जी से चुराया, समझा? उनका सुपरमैन हमारे हनुमान जी के आगे कुछ नहीं है, समझा? फालतू की बातें मत किया कर। अच्छा सुन, हम जो पिक्चर बना रहे हैं वैसा कंटेंट इंग्लिश में हो सकता है क्या? नहीं नहीं सर, नहीं हो सकता। रशियन में हो सकता है? अरे हो ही नहीं सकता सर। और चाइनीज में? नहीं 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 नहीं। तो फिर ग्रेट कौन हुआ? हम ही ग्रेट है सर, हम ही ग्रेट है, कन्फर्म हो ना? रेडी सर। ये क्या ड्रेस पहन के आई हो? क्या हुआ? ओए, ड्रेस चेंज करो जाके। क्यों ये ड्रेस अच्छी नहीं है क्या? आइटम सॉन्ग, आप कैसी बात कर रहे हैं सर? पिछले सीन में तो आपकी माँ गुजरी है। आइटम सॉन्ग बना दिया तो लोग पसंद नहीं करेंगे, ये मैच नहीं करेगा। आइटम सॉन्ग तुम्हें शूट करना ही पड़ेगा। हाँ चांस ही नहीं है। 100% तुम कह रहे हो माँ गुजर गई है सीन से, पर ये दुख तो भूलना चाहिए ना? भूलना चाहिए। तो फिर यहाँ पे आइटम सॉन्ग बनता है कि नहीं? ए, आइटम सॉन्ग रेडी करो। माँ के गुजरने पर सीरियस होना चाहिए या आइटम सॉन्ग पे डांस करना चाहिए? यस सर। गो।
ओके। ए, अब तेरे ऊपर भी उस लफंगे हीरो का असर चढ़ गया है क्या? थोड़ा ठीक से काम करना। आर्टिकल आ गया। तुमको हेलो। हीरो कहाँ है? कौन सा हीरो? और आप कौन है मैडम? एंजल, रियल सुपरस्टार। जो भी यहाँ पर आता है खुद को सुपरस्टार ही बोलता है। हेलो। हीरो कहाँ है? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया पहले ये बताओ। हीरो मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड हो? और नहीं तो आइए ना, आइए मैडम। अरे सर, मुझे मत बताओ, मुझे नहीं, चेयर पर विराजमान हो जाइए। छोटे बॉस, ये आपकी फ्रेंड है ना बॉस? हेलो हेलो हेलो। सर मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारी शूटिंग कब है सर? एक बार डिटेल में पढ़ लो। नेक्स्ट मंथ से शूट है। मैं भी आऊं क्या? हाँ। सर सर अभी बिजी है, मुझे समझाओ क्या। Who are you? कौन हो? तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तुम मेरी फ्रेंड हो? ये मेरी फ्रेंड है। पता नहीं सर। क्या तुमको नहीं पता मैं कौन हूँ? इंस्टाग्राम पे तो बड़े मैसेज भेज रहे थे, अब मुझसे पूछ तो कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम मुझे भूल गए क्या? मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे भी किया है क्या? और क्या? अरे क्या कह रही हो मैडम, सर ऐसे ही किसी लड़की को मैसेज नहीं करते। हाँ तुम अपना व्हाट्सएप चेक करो। यहाँ तो तुम गोरी हो। फिल्टर। अरे ये क्या? ये लड़कियाँ फोटोशॉप फिल्टर मेकअप फिल्टर डालकर हम लड़कों को बस बेवकूफ बनाना जानती है ना, और कुछ आता ही नहीं है, और हम बेवकूफ बन भी जाते हैं। आ गया। ऐसी झूठी लड़की को मैंने मैसेज किया, मुझे खुद पे शर्म आ रही है। मैडम नंबर वन, आप जाइए, जाइए जाइए यहाँ से। अबे क्या देखो बार बार? अरे सर, कैसे पहले से देख तो मुझे नहीं देखना, उस लड़की ने मुझे शौक दे दिया यार, और तुम बार बार कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहे हो। नोटिस है सर, देखिए तो जवाब दो उसका। चल भाग। क्या सर? मैडम आप देखिए, ऐसा इंसान इस तरह से कभी चेंज हो जाएगा इस बात पे मुझे भरोसा ही नहीं होता। पूर्णिमा शारीरिक रूप से हमें छोड़कर चली गई, फिर भी उसकी आत्मा इसी घर में है। वो दुष्ट ये बात जानता था कि इस प्रॉपर्टी में उसे अब बिल्कुल भी कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला है, इसीलिए वो पूर्णिमा की आत्मा को इस घर से भगाने के लिए एक शास्त्री नाम के तांत्रिक से मिला। लेकिन पूर्णिमा की आत्मा के साथ क्या विश्वासघात हुआ ये जानकर शास्त्री जी के दिल में दया आ गई। और फिर शास्त्री जी, एक आत्मा हम सबको यहां पर बहुत तकलीफ दे रही है, कृपया सहायता कीजिए। साधक अपनी श्रद्धा की पूंजी स्वार्थी लोगों को नहीं देते। देखिए मैं आपको मन चाहा पैसा दूंगा। मेरी तकलीफ से ज्यादा मैं चाहता हूं कि उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए। देखिए मुझसे गलती नहीं हुई, ऐसा नहीं कह रहा हूं, मुझसे गलती हुई होगी, लेकिन ये घर ये जायदाद सब उसकी है। स्वामी जी मैं आगे से एक अच्छा इंसान बनकर रहूंगा, आप ना मत कहिए, मदद कीजिए। उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए शास्त्री जी ने एक नया चक्रव्यूह रचा है। समझ में नहीं आया क्या? पूर्णिमा की आखिरी इच्छा थी कि वो अपने पति को अपनी आंखों से देख पाए। पूर्ण अमावस के दिन बिना बाधा के इस घर में हवन करवाना होगा। हवन करवाने से
पूर्णिमा की आत्मा को शांति मिल जाएगी, ऐसा शास्त्री जी का कहना है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या उसकी आखिरी इच्छा पूरी होगी? मेरा जीवन बर्बाद करने वाले उस पापी को बस एक बार देखना था, छोड़ूंगी नहीं उसे। वो जरूर देखेगी। अच्छा हुआ तुम दोनों आए। ओम शांति। नमस्ते। खुश रहो। ये यहां पर क्या चल रहा था सर? ये सभी लोग डर क्यों गए थे? क्या तुम जानते हो घर के आंगन में तुलसी क्यों लगाते हैं? और अगर वो सूख जाए तो उसका क्या मतलब होता है? इस दुनिया में सबको जीने का हक है और केवल कुछ लोग हैं जिन्हें दूसरों की मदद करने का अवसर मिलता है, और वो अवसर तुम्हें मिला है। बट मैं ही क्यों सर? जानते हो दुनिया में सबसे मूर्ख इंसान कौन था? कंस था। कंस। उसे पता था कि उसकी बहन का आठवां बेटा उसकी मौत का कारण बनेगा, फिर भी अपनी बहन और उसके पति को जेल में एक साथ कैद कर दिया। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर दोनों को अलग अलग जेल में रखा होता तो क्या परिणाम होता? कृष्ण पैदा ही नहीं होते, कंस की मृत्यु नहीं होती, महाभारत का भीषण युद्ध हो नहीं पाता और कृष्ण गीता का उपदेश दे नहीं पाते, जो कि सरासर गलत है। भाग्य जानते हो, ये देव की, ये कंस, ये निमित्त मात्र है। कृष्ण को आना ही था। श्रेष्ठ जातक शुभ मुहूर्त में हवन करता है। हवन की पूर्ण आहुति निर्विघ्न होनी चाहिए और पूर्ण आहुति से सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। अब आगे ईश्वर की कृपा, भरोसा रखो। मैंने इन दोनों को आने के लिए कहा था। सर सिर्फ हम दोनों ही आए हैं। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। अतृप्त इच्छाओं के साथ मुक्ति ना पाने वाली आत्माएं हैं ये। तुम्हें समझ नहीं आता? चलो जाओ। पेशे से मैं डॉक्टर हूं, कर्म से पुजारी, ये थी साधना। और तुम फिल्म के हीरो हो, पर्दे पर आते हो, निजी जीवन छोड़कर असली हीरो बनो। धर्म सदैव तुम्हारी रक्षा करे। तेरा सिनेमा मैं टेक ओवर कर रहा हूं। आपका नाम क्या है सर? अग्नि MBBS। वो कंफर्म भूत ही है सर। पूर्णिमा, बेशक हमें शरीर से छोड़कर चली गई, लेकिन उसकी आत्मा इसी घर में है। प्रतिशोध की ज्वाला में धधकने वाली उस आत्मा को पूर्ण रूप से समाप्त करना होगा। तुम लोगों को इस जगह पे किसने बुलाया? मैंने। हवन करना होगा, आत्मा जागृत हो जाएगी। ये रक्षा कवच जब तक तुम्हारे पास है, वो आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
ओह हाय। एक बात बोलूं मैं? बोलिए ना। फिल्म इंडस्ट्री के सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया है मैंने। ओके। पर आपका दिल बहुत अच्छा है। थैंक यू। आप अच्छे इंसान हो। ओह। जीवन में एक बात याद रखिएगा सर, इस जीवन में अगर सफल हो गए तो घमंड मत करना, और जब भी मौका मिले चार जरूरतमंद लोगों की मदद करना मत भूलना। गुड लक, चलता हूँ। हमारे देश में बच्चा पैदा करना आसान है पर पैसे कमाना मुश्किल। पैसा एक परिवार में क्या कुछ नहीं करवा सकता। इस लड़ाई में कल क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता, पर ऊपर वाले की कसम मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब सोच लिया है तो अपनी जान की भी परवाह नहीं करूंगा। हे, तुझे कुछ नहीं होगा, तू सिर्फ अपनी मन की सुनना। सुन, तुम एक सताई हुई लड़की के आंसू पोंछने जा रहे हो, तुम्हारे साथ करोड़ों हिंदुस्तानियों का आशीर्वाद है। चलो मान भी लो, अगर तुम इस लड़ाई में हार भी गए तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें यह संतुष्टि होगी कि तुमने अपना काम ईमानदारी से किया। तू जीतेगा यार। शादी वो तो हो जाएगी। बच्चे? नहीं नहीं बाबा, उन सब में नहीं पढ़ना। पर तुम्हें पढ़ना क्यों नहीं है? हे हे हे, ये नालायक चेंज नहीं होने वाला, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। जा, एक दिन तू जीतेगा। जरा एक बात बताओ, इस घर में जो आत्मा है क्या उसने कभी भी तुम्हें तकलीफ दी, सिवाय उस दिन के जब हमारे साथ हादसा हुआ? वो भी इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उसके कपड़े पहने। ये युद्ध उसके और मेरे बीच में चल रहा है, इस युद्ध में किसी और की बलि चढ़े ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता, इसीलिए सबको भेज दिया। इस घर में आने से ठीक एक दिन पहले एक आदमी ने मुझे कॉल पे ललकारा था, लेकिन वो खुद यहाँ नहीं आया, उसने किसी और को भेजा, क्योंकि अगर वो यहाँ आता तो बच के वापस नहीं जा पाता। तो वही इस कहानी का एक्चुअल विलेन है। उस दीवान को तो अच्छे से जानती हो ना, उसके अंदर बदले की आग धधक रही है जो कि आसानी से नहीं बुझेगी। इस आत्मा की शांति के लिए मैंने यहाँ पे शास्त्री जी को बुलाया। जिस दिन मैं अपनी फिल्म की स्टोरी लिख रहा था उस दिन हम सब पर उसने अटैक किया। कुछ समझी? क्या हुआ सर, यहाँ अकेले खड़े होकर क्या सोच रहे हो?
मैं समझ सकती हूँ सर, लेकिन सर ये सब आप अच्छे मन से कर रहे हो ना, तो फिर चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। स्वार्थ से भरी इस दुनिया में आजकल कोई किसी के लिए कहाँ कुछ करता है। लेकिन ये भूत प्रेत सब सच है क्या? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब आज रात के हवन के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। हर चीज में लॉजिक नहीं होता, कुछ चीजें भाग्य पर चलती हैं। ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। मन में संतोष हो तो हर सवाल का जवाब मिल जाता है। अभी हमारा सिर्फ एक मकसद है, बस उस आत्मा को किसी तरह मन की शांति दिलवाना, तभी मुझे सुकून मिलेगा, तब तक नहीं। सर, हवन शुरू होने से पहले मुझे बाहर कुछ काम है, वो खत्म करके आती हूँ। क्या इस समय? नहीं, अभी तुम कहीं नहीं जा सकती। सर चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं बस यहीं जा रही हूँ। मेरी बाई आँख फड़क रही है, तुम प्लीज बाहर मत जाओ। सर आप इन सबको मानते हो क्या? ओके सर, हर आधे घंटे में मैं आपको फोन करती रहूंगी, ठीक है ना? अब मैं चलती हूँ। अच्छा, लल्लू को अपने साथ लेके जाओ। जरूरत नहीं है सर, मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी लौट आऊंगी। अपना ख्याल रखना। देखो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही, प्लीज जल्दी आ जाना। हाँ सर, हाँ सर, मैं जल्दी आ जाऊंगी। देर मत करना सर। हवन खत्म होते ही क्या वो आत्मा हमें दिखाई देगी? बिल्कुल दिखाई देगी। हेलो, कौन है? हेलो हेलो हेलो, शाम के हवन के लिए सब रेडी है ना? आप टेंशन में लग रहे हैं। इस लड़की ने मेरा फोन क्यों काट दिया? हेलो, कहाँ हो? ए हीरो, जो बोल रहा हूँ ना वो चुपचाप सुन। तेरी हीरोइन को किडनैप किया है, उसी के फोन से बात कर रहा हूँ। तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, पर अगर तू चाहता है कि इसे कुछ ना हो तो ये हवन नहीं होना चाहिए, समझा? क्या हुआ, किसका फोन है, आखिर बात क्या है? मेरी हीरोइन किडनैप हो गई है। किडनैप कर लिया? किसने? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे उसने धमकी दी है। तो अब हम क्या करेंगे? चाहे वो कुछ भी करे, ये हवन तो होके रहेगा। दिमाग खराब हो गया क्या? आपका पागलपन एक हद तक सह सकते हैं, आप सिर्फ आर्टिस्ट के डेट और डायलॉग पर ही अधिकार रख सकते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी से खेलने का आपके पास कोई अधिकार नहीं। अच्छा सुनो, हवन कैंसिल करवा दो। ठीक है। मैंने तय कर लिया, हवन होके रहेगा। आपका दिमाग सच में खराब हो गया क्या? मैं हर हर महादेव। तुझे कितना समझाया फिर भी यह हवन नहीं रोका तूने, यानी तुझे मेरा कोई डर नहीं है। तुझे लगता है कि मैं ये सब बकवास कर रहा हूँ, सिनेमा में विलन डायरेक्टर की बात सुन के साइलेंट हो जाता है, पर मैं फिल्मी विलन नहीं हूँ और इसमें बुलेट भी असली है। मैंने ना तुझे हीरो समझ के बहुत बड़ी गलती कर दी, पर तू तो बहुत बड़ा नट है, नट भयंकर। ओहो, शास्त्री जी। नमस्कार शास्त्री जी, आप तो बड़े गजब के कलाकार हैं। आप ये हवन करेंगे तो आत्मा को शांति मिलेगी और ये जायदाद भी आपको मिलेगी, क्यों? सही कह रहा हूं ना शास्त्री जी? रावण भले ही बहुत शक्तिशाली था, पर उसे राम जी के हाथों मरना पड़ा, वैसे ही तू मरेगा। अब से तू अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे।
तुम कहीं शूटिंग में बिजी हो क्या? सर नहीं, आपकी हीरोइन कहीं शूटिंग कर रही है। सर किडनैपिंग सीन चल रहा है। एकदम नेचुरल एक्टिंग कर रही है, बिल्कुल रियल लग रहा है। सर शूटिंग नहीं है, वो सच में किडनैप हो गई है। ओह, अब तक तो मैं अग्नि MBBS था, अब अग्नि IPS बनने का टाइम आ गया है। अगर शांत रहो तो लोग फायदा उठाते हैं। अब तुम टेंशन मत लो। रिलैक्स, शी इज सेफ। बात सुन। हाँ भैया। इसे यहाँ से ले जाकर गोडाउन में रख दे, समझा? जी भैया। जब तक ये जिंदा है तब तक हम सेफ रहेंगे। भाई कौन हो तुम आखिर? जो लोग गलत करते हैं उनके लिए हूँ मैं अग्नि, लड़कियों से बदसलूकी करने वालों के लिए हूँ ज्वाला अग्नि, और तुम जैसे राक्षसों को भस्म करने के लिए मैं हूँ जमद अग्नि। संपूर्ण अग्नि MBBS। अग्नि IPS तो सुना था मैंने, अब ये अग्नि MBBS क्या वाला है? वही मैं। MBBS बन के तुम जैसों का ट्रीटमेंट भी करता हूँ, और जरूरत पड़े तो तुम जैसे गुंडों को अग्नि IPS बनकर छठी का दूध याद दिला देता हूँ। इस हवन का कृत कर्म क्रिया सब मैं ही हूं, और आप इसकी आत्मा हैं। आप लोगों ने साथ मिलकर आज एक मंगल कार्य को पूर्ण किया है। मनुष्य तो सिर्फ निमित्त मात्र है, लेकिन कर्ता कोई और है जो सबका स्वामी है। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसे बड़ा इंसान बनाते हैं। जन्म मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथों में। पापियों का नाश करने के लिए भगवान धरती पर आए, ऐसा जरूरी नहीं। अच्छे कर्म करके हम भी धरती का ऋण चुका सकते हैं, यही भगवत गीता में कहा है। कर्म कर, फल की चिंता ना कर। देखा अच्छे कर्म करने से व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है, मतलब धर्म की जीत हुई। दीर्घ आयुष्मान भव। जब लंका का दहन हो रहा था तो उसी समय हनुमान रावण को मार सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया। रावण लंका में भस्म हो सकता था, लेकिन ऐसे उसकी मृत्यु नहीं थी। राम के हाथों ही रावण का अंत होना था, यही रामायण है।
वैसे ही उस दुष्ट की मृत्यु तुम्हारे जरिए होनी थी। ये ब्रह्म ने लिखा था। हम सब निमित्त मात्र हैं। अब इस राम के लिए ये सीता इंतजार कर रही है। ऑल द बेस्ट नट भयंकर। देखो ना, लोग इधर ही देख रहे हैं। अरे देखने दो ना। अरे देखो ना, अभी भी देख रहे हैं। अरे ये अपने लोग हैं। ये सब हर बार मेरी मूवीज देखने आते हैं और चिल्लाते हैं, यही है मेरा हीरो, यही है मेरा हीरो, हीरो नंबर वन। अगर इन्हें मैंने थोड़ा सा रोमांस दिखा दिया तो इनका दिल खुश हो जाएगा। फिर चाहे आंधी आए या तूफान, ये मेरी फिल्में देखने आते ही रहेंगे। रोमांस में बहुत ताकत होती है। तुम अभी प्यार को समझते ही कहा हो, समझो और महसूस करो, क्योंकि प्यार किया तो डरना क्या, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। आपको नहीं लगता कि लाइट बंद करके? लाइट बंद की तो फैंस का क्या होगा, तुम कह रही हो तो लाइट बंद करके रोमांस चालू करते हैं। अब तो खुश हो?